إياك نعبد وإياك نستعين. आज हम अपने इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं मैमल्स के, और इसमें हम आज हमारा जो थीम है वो आत्म रेगुलेशन है, बिहेवियर्स हैं और रिप्रोडक्शन है. ठीक है, कि मैमल्स किस तरह जो वाटर बैलेंस है वो बैलेंस रखते हैं, प्लस कुछ बिहेवियर्स हम पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे और प्लस रिप्रोडक्शन है. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को आस्मो रेगुलेशन का पता होना चाहिए कि जी आस्मो रेगुलेशन क्या है. आस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो मैमल है, ठीक है, वो बैलेंस रखता है. ठीक है, किस चीज़ का जी? वाटर एंड सार्स का, या आप ले लें सल्यूट्स का. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली आस्मो रेगुलेशन. ठीक है, जो मैमल है, ठीक है, उसको एक कह लें आप एक इशू जो है वो फेस करना पड़ता है. किस चीज़ का जी? वाटर लॉस का. कॉन्स्टेंटली इससे वाटर लॉस होता है मैमल्स की बॉडी से. समझ आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि जितना पानी मैमल पीता है, ठीक है, उससे वो लॉस होता है. ठीक है, अब लॉस क्यों होता है? देर आर सर्टन वेज, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है जी, वाटर इसकी बॉडी से लॉस होता है. ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है, ठीक है, वो अगर हम देख लें, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू इससे वाटर लॉस होता है. बॉडी जो इवेपोरेटिव कूलिंग करती है, ठीक है, तो स्वेट जो है वो रिलीज होता है, तो इसकी फॉर्म में भी वाटर इससे लॉस होता है. ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा, ठीक है, कि जी देर आर अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व यूरिया, ठीक है, विच हैव टू बी एक्सक्रीटेड. तो पानी जो है ना वो यूरिया में मिक्स होता है, जिसकी वजह से मैमल को क्या फेस करना पड़ता है जी? वाटर लॉस फेस करना पड़ता है. एक स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट रिलीज करते हैं. ठीक है, इसके अलावा फीसिस की फॉर्म में भी जो है ना वो वाटर जो है वो लॉस होता है. ठीक है, इसके अलावा रिस्पायरेटरी सरफेसेस के थ्रू भी वाटर लॉस होता है. हम मैमल जब सांस लेते हैं, ठीक है, सो एक्सपायरेशन के नतीजे में अ लिटिल अमाउंट ऑफ यू कैन से कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ना वो बाहर जाते हैं. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बेसिकली एन इशू. फॉर हूम? फॉर मैमल. वाटर लॉस हो रहा है, मैमल क्या कर रहा है जी? इन इशूज़ को फेस कर रहा है. नाउ दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम एंड वी द मैमल शुड ओवरकम ऑन दीज प्रॉब्लम्स, यू नो. सो इन ऑर्डर टू ओवरकम ऑन सच प्रॉब्लम्स देर आर सर्टन एडाप्टेशंस इन विच मैमल्स कैन ओवरकम ऑन सच प्रॉब्लम. लाइक हम एग्जाम्पल के तौर पर एडाप्टेशन से मुराद क्या है? एडाप्टेशन से मुराद किसी भी एनिमल की बॉडी में ऐसी चेंज जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उसको बेसिकली हम कहते हैं एडाप्टेशन. आप अदर वर्ड में कह सकते हैं कि एक बॉडी की एडजस्टमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इन इश्यूज़ को किस तरह सॉल्व किया जाए. तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं जी कैंगरू रैट. इसकी एग्जांपल लेते हैं हम जी, दिस इज बेसिकली अ मैमल कैंगरू रैट. इसको देखते हैं कि इस इशू को इस मैमल ने किस तरह सॉल्व किया.
ये मैमल आपको पता होना चाहिए कि इसका जो हैबिटेट है, ठीक है, वो डेजर्ट है। अब अगर एक एनिमल पानी में रहता है, ठीक है, तो भी कोई इशू नहीं है। अगर एक एनिमल खुश्की पर रहता है, ठीक है, और स्पेसिफिकली जो मॉडरेट रीजन्स हैं, ठीक है, वहाँ पर रहता है, उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एक एनिमल पहले से डेजर्ट में रह रहा है, सो दिस जो रिस्क है, ठीक है, इस प्रॉब्लम का, वो और इंक्रीज हो जाता है। तो इसने अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस किए हैं, इसने अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस किए हैं, वो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले जो कैंगरू है, ठीक है, कैंगरू रैट जो है, ठीक है, उसकी जो फीसेस हैं वो क्या है जी, वो ड्राई है। फीसेस क्या है जी, फीसेस सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट थ्रू एनस स्माइल इंटेस्टाइन में ब्लड इंटेस्टाइन में बनता है, उसको बेसिकली हम फीसेस कहते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि फीसेस के थ्रू भी जो है ना वो वाटर लॉस होता है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो फीसेस हैं वो इन एनिमल के ड्राई है, मैमल के, सॉरी। तो जब ड्राई फीसेस होंगे देर विल बी अ वेरी लिटिल चांस फॉर वाटर, फॉर लॉस, वाटर लॉस। इसके अलावा ये मैमल जो है ये नॉकटर्न, ठीक है, नॉक्टर्नल वो एनिमल्स हैं जो रात को एक्टिव होते हैं। अब जब भी आप बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, ठीक है, सो आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो स्पीड अप होती है, बल्कि वो यूज़ होती है। लेकिन जब आप काम नहीं कर रहे हैं, वो मेटाबॉलिज्म की जो रेट है वो स्लो होती है। रात को जब निकलते हैं तो रात को टेम्परेचर जो है वो क्या होता है जी, वो कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा, मेटाबॉलिज्म होगी, ठीक है, तो जो वाटर लॉस है थ्रू वाटर, थ्रू रिस्पायरेटरी सर्फेसिस और थ्रू स्वीट ग्लैंड्स, वो क्या होगा जी, वो रिड्यूस होगा। तो नॉक्टर्नल हैबिट, नॉक्टर्नल बिहेवियर की वजह से इसने किस पर और काम कर लिया है जी, इस इशू पर, वाटर लॉस के जो है ना वो और काम कर लिया। इसके अलावा जो ग़िज़ा खाता है, ये जो खुराक ये खाता है वो लो प्रोटीन डाइट है, कैंगरू रैट जो है। नाउ प्रोटीन जो है वो जब मेटाबोलाइज होते हैं, अमीनो एसिड्स में जो है ना वो कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली उससे क्या बनता है जी, उससे बनता है जी यूरिन, ठीक है, या यूरिया क्या है। जब आप हाई कंजम्पशन आप प्रोटीन लेते हैं तो आपको आपकी जो यूरिनेशन है वो ज़्यादा होगी। वाई, क्योंकि आपको में यूरिया ज़्यादा बन रहा है। तो वो इसने प्रोटीन को आलमोस्ट अपने खुराक से क्या कर लिया है जी, रिमूव कर लिया है, ठीक है। तो जब प्रोटीन ही नहीं है डाइट में तो ऑटोमेटिकली यूरिया फॉर्मेशन नहीं होगी या कम होगी, और जब यूरिया फॉर्मेशन नहीं या कम होगी सो देयर विल बी लो आर नो वाटर रिक्वायर्ड फॉर द डिजॉल्वमेंट ऑफ वाटर, फॉर द डिजॉल्वमेंट ऑफ यूरिया इन वाटर, ठीक है। तो इसने, अब इसकी खुराक क्या है जी, इसकी खुराक जो है वो सीड्स है, ड्राई सीड्स जो है ये खाता है। ये ड्राई सीड्स जो है वो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लेस अमाउंट ऑफ यूरिया पैदा करते हैं, जिसके लिए कम मात्रा में पानी रिक्वायर्ड है। एनी हाउ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैमल्स को ये इश्यूज फेस हैं, लेकिन हर एक मैमल ने अपनी बॉडी में क्या किए हैं जी, अडाप्टेशंस की। अच्छा, अब हम आते हैं जी बिहेवियर्स की तरफ, ठीक है जी, बिहेवियर्स की तरफ हम आते हैं।
बिहेवियर क्या है। आमतौर पर हम कहते हैं कि जी एक बंदे के अच्छे बिहेवियर्स हैं, किसी के ख़राब बिहेवियर्स हैं। हरकत, सकनात, आप जो भी ले लें, ठीक है, उसको बेसिकली हम बिहेवियर्स कहते हैं। लेकिन मैमल्स में हम भी बिहेवियर्स बेसिकली क्या हैं जी, एक्शंस हैं, ठीक है। किसके खिलाफ एक्शंस हैं जी, स्टिमुलस के खिलाफ एक्शन। लाइक एग्जांपल के तौर पर, अगर एक क्रो, ठीक है, आप इसको कह लें, ठीक है, या आप उसकी जगह जो है वो आप कैट की ले लें, ठीक है, एक कैट है, समटाइम्स जी अपने जो बाल है, ठीक है, वो खड़े कर देती है, अपनी टेल खड़ी कर देती है, मुख्तलिफ़ किस्म की खौफनाक आवाज़ें निकालती है रात के टाइम स्पेसिफिकली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो ख़तरे में है। अब इसने जो एक्शंस दिखाए हैं ये बेसिकली क्या है, ये एक बिहेवियर है, ठीक है। अब ये किसके खिलाफ दिखाए हैं जी, स्टिमुलस के खिलाफ दिखाए। इसके अलावा दो कुत्ते लड़ रहे हैं, एक कुत्ता हार गया, ठीक है, हार गया तो वो आमतौर पर करता ये है कि वो अपने फीट के ज़रिए जो है ना वो लेट जाता है और अपने पेट को, फीट के ज़रिए लेट जाता है और अपने पेट को और अपने जो बाकी पार्ट्स हैं, जो नाजुक पार्ट्स हैं, वो एक्सपोज कर लेता है। अब उसने ये जेस्चर क्यों पेश किया, उसने ये लेट क्यों किया, क्योंकि उसको वो दिखा रहा है, ठीक है, एक मैसेज दे रहा है अपने अपोनेंट को कि मैं जी हार गया। तो ये बेसिकली क्या है, ये बिहेवियर, ठीक है, फ्रॉक्स का या टोट्स का, ठीक है, समर्स में आवाज़ें निकालना, किसी तालाब में बैठकर आवाज़ें निकालना, ये भी क्या है जी, ये भी बिहेवियर्स हैं। क्यों निकालते हैं ये आवाज़ें जी, ये मैट को फाइंड करने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिहेवियर्स आर द एक्शंस दैट इज़ जनरेटेड बाय मैमल्स इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। क्यों करते हैं एनिमल्स या मैमल्स जो हैं, सॉरी, वो बिहेवियर्स क्यों शो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ है वो है रिकग्निशन। ठीक है, किस चीज़ की रिकग्निशन जी, मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी, ठीक है, यहां पर मैं एक चीज भूल गया हूं कि बिहेवियर्स वो डिस्प्ले किए जाते हैं थ्रू फेरोमोन्स, ठीक है, मेजॉरिटी जो है, ठीक है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो ज़्यादातर सिग्नल्स हैं या जो एक्शंस हैं वो सिग्नल जो है वो डिलीवर किया जाता है थ्रू फेरोमोन्स। अब ये कब फेरोमोन्स कब रिलीज होंगे, जब बिहेवियर शो किया जाता है। अब बिहेवियर क्यों शो होते हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर एक स्पीशी दूसरी स्पीशी को मालूम करना चाहता है, सेम स्पीशी, तब ये बिहेवियर्स शो किए जाते हैं, फेरोमोन्स के थ्रू ये होते हैं, ठीक है। बिहेवियर क्यों शो होते हैं जी, अपोजिट सेक्स के
रिप्रोडक्टिव स्ट्रेट को मालूम करने के लिए। समझ आ रही है? एक मेल है, एक फीमेल है, ये मेल इस फीमेल के साथ कपुलेशन करना चाहता है, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि जी ये फीमेल जो है वो रेडी है इस रिप्रोडक्शन के लिए, सॉरी कपुलेशन के लिए या नहीं। तो फीमेल क्या करेगा? फीमेल मुख्तलिफ हार्मोन्स, फरमोन्स जो है वो रिलीज़ करेगा। ये फरमोन्स कौन सेंस करता है जी? ये मेल सेंस करेगा, ठीक है। अब मुख्तलिफ हार्मोन फरमोन्स के मुख्तलिफ सिग्नल्स होते हैं। अगर फीमेल ने ऐसे फरमोन्स रिलीज़ किए हैं जो कि सिग्नल है मेल के लिए कि जी मैं रेडी हूँ, तब ये मेल इसके पास जाएगा। लेकिन अगर फरमोन्स ऐसे रिलीज हुए हैं जो कि फीमेल रेडी नहीं है, तो फिर मेल जो है वो उसकी तरफ नहीं जाएगा। तो अपोजिट सेक्स मालूम करने के लिए कि वो रिप्रोडक्टिव स्टेट के लिए रेडी है या नहीं, या रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो फरमोन्स हैं उसका रोल ये भी है, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं कि जी फरमोन्स का क्या रोल है, ठीक है, और वो किस तरह बिहेवियर्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस्टेब्लिश टेरिटरीज, ठीक है, और प्लस उसकी रिकग्निशन भी है। पहले भी मैंने आपको बताया एक मैमल है वो यहाँ पे रह रहा है, वो क्या करेगा? वो अपने इर्द गिर्द की जितनी भी बाउंड्री है उस पर ये फरमोन्स खारिज कर देगा। इसने सिग्नल दे दिया बाकी जो मैमल्स हैं कि जी ये मेरी बाउंड्री है, इसके अंदर मैं रह रहा हूँ, इसके अंदर किसी ने नहीं आया, जो डिफरेंट स्पीशी है। से फॉर एग्जांपल सेम स्पीशी है, इसका एक मेंबर आता है, वो इस फरमोन्स को सेंस करेगा, स्मेल करेगा, डिटेक्ट करेगा ऑल्फैक्शन के थ्रू। तो इन फरमोन्स के थ्रू इसको पता चल जाता है कि जी पहले से यहाँ पर मेरा सेम स्पीशी वाला मेंबर यहाँ पर रह रहा है। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि उसने अंदर इसकी बाउंड्री टेरिटरी में आना है या नहीं। तो इस मेंबर का यहाँ पर फरमोन्स छोड़ना ये इस्टेब्लिशमेंट हो गया, और इस मेंबर का इन फरमोन्स को सेंस करना ये क्या हो गया जी? ये रिकग्निशन। तो ये एक बिहेवियर है, टेरिटरीज को डिफाइन करना या इसको रिकग्नाइज करना, ये बिहेवियर है। और ये थ्रू व्हाट होते हैं जी? ये फरमोन्स। इसके अलावा ये रागिब करता है, ठीक है, या आप कह लें, ठीक है, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, ठीक है, वो मेरे जहन से निकल गया है, ठीक है, लेकिन फिलहाल किसी मैमल को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए उभारना, ठीक है, ये भी कौन करता है? ये भी फरमोन्स करते हैं। दिस इज आल्सो बिहेवियर, ठीक है। सेक्सुअल अराउजल इसको हम कहते हैं, अराउजल, सेक्सुअल अराउजल, किसी चीज के लिए एहसासात या जज्बात या फीलिंग्स उभारना, ये सेक्सुअल अराउजल। तो ये भी कौन करता है? ये भी फरमोन्स करते हैं, और ये भी है, ठीक है। आप किसी फार्म में जाते हैं, ठीक है, उस फार्म में मुर्गियां हैं और उसके चिक्स हैं, पूरा कचाकच भरा हुआ है,
उस फार्म में आप डक रख लें और डक के जो यंग वंस हैं वो रख लें 4-5। लाइक दिस इज ए फार्म, यहाँ पर सारे के सारे जो है वो चिक्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक मदर डक है और यहाँ पर जो है वो इसके क्या हैं, उसके बेबीज हैं। तो इन सारे मुर्गियों या चिक्स में ये डक्स जो हैं या यंग वन जो हैं वो अपनी मदर को रिकग्नाइज कर सकते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू दीज फेरोमोन्स। ये पेरेंटल रिकग्निशन है या पेरेंट्स रिकग्निशन, ठीक है। एनी हाउ, ये तो हमने कुछ बिहेवियर्स की बात की, उसके फंक्शंस की बात की, ये इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद करना, व्हाट आर बिहेवियर एंड व्हाट आर द रोल ऑफ फेरोमोन्स, ठीक है। अब हम आते हैं जी रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तरफ। सबसे पहले आपको रिप्रोडक्टिव, बल्कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो मैमल्स हैं वो विविपेरियस हैं। विविपेरियस क्या है ये आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, विविपेरियस है, ठीक है। और इसके अपने एक रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल वो साइकिल होता है कि जिसमें एक मेल जो है, फीमेल जो है वो रेडी होती है किसके लिए जी, रिप्रोडक्शन के लिए। वो रिप्रोडक्टिव, और उसमें मेल अपने एग्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और कपुलेशन होती है, वो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है। इसमें सबसे पहले जो है वो मुख्तलिफ किस्म के साइकिल हैं, उसमें हम सबसे पहले जो है वो एस्ट्रस साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। एस्ट्रस साइकिल क्या है? ऐसा टाइम है कि जिसमें क्या होता है जी, जो फीमेल है, ठीक है, वो अपने आप को रेडी कर लेती हैं फिजियोलॉजिकली भी, ठीक है, और बिहेवियरली भी। उनकी बॉडी में भी चेंज आते हैं और उनके बिहेवियर्स भी ऐसे हो जाते हैं जो रेडी रहती हैं किसके लिए जी, फॉर मेल, ठीक है, फॉरवर्ड फॉर मेल। ऐसा टाइम है कि जिसमें फीमेल जो है वो बन जाती हैं फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरली, वो ऐसी बन जाती है कि जिसमें वो मेल रिसीव करता है। रिसीव से मुराद ये है कि शी इज़ रेडी टू मेट। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया, इस साइकिल में क्या होता है जी, एक्स प्रोडक्शन होती है जिसको आप लोग एव्यूलेशन कहते हैं, ओव्यूलेशन सॉरी, ठीक है, जो इंटरनल यूट्रस है उसमें भी चेंजेस आती हैं स्ट्रक्चरली, लाइक दिस इज यूट्रस, ठीक है, ये 2-3 लेयर से बना होता है, एंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है और पेरीमेट्रियम है, ठीक है, ये इंटरनल एंडोमेट्रियम है, ये बनता है, प्रोलिफ्रेशन इसकी होती है, प्रोलिफ्रेशन, ठीक है, जो सेल्स हैं उसकी डिवीजन होती है। क्यों होती है कि जी, इसलिए क्योंकि जो ओवरी है वहाँ से एक ने आना है और यहाँ पर स्पर्म जाएगा और यहाँ पर वो जो जायगोट है वो यहाँ पर स्टे करेगा, ठीक है, जायगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा और फिर वो आगे से एक यंग बनेगा। तो एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन होती है।
ये स्ट्रक्चरल चेंजेस है, ठीक है। इसके अलावा वेजाइना में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। वेजाइना का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि जी ये किस में होता है, ये आम तौर पर बाकी मैमल्स में होता है, ठीक है। जो अगर हम बात करें स्पेसिफिकली ह्यूमन फीमेल्स की, तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसमें मेंसेस होती है, ठीक है। वो एक अलग फिनोमेना है, एस्ट्रस साइकिल बाकी मैमल्स में होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली एस्ट्रस साइकिल है। इसके मुख्तलिफ और जो है ना वो टाइप्स हैं, ठीक है। एक है जी मोनो एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या मेंशन किया है जी, टाइम मेंशन किया। अगर साल में एक दफ़ा ये साइकिल रिपीट होता है, एस्ट्रस साइकिल, ठीक है, इन वन ईयर, तो इसको हम मोनो एस्ट्रस साइकिल कहेंगे। अगर साल में दो दफ़ा ये रिपीट होता है ये एस्ट्रस साइकिल, तो इसको फिर हम डाइएस्ट्रस साइकिल कहेंगे। ये वाइल्ड डॉग में होता है, ये डोमेस्टिक डॉग में होता है। और अगर ज़्यादा टाइम दफ़ा, मैनी टाइम, ज़्यादा दफ़ा अगर ये पैदा होता है, एस्ट्रस साइकिल रिपीट होता है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे जी, पोली एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंसेस होती है। अब मैं आपको जस्ट ये लेक्चर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेंथ इसकी, कि मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता ये है कि जो एंडोमेट्रियम है वो बनता है, ओव्यूलेशन होती है। अगर दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर तू स्पर्म आ गया, ठीक है, और एक के साथ उसने, एक तो ऑलरेडी बन रहा है, ठीक है, चाहे स्पर्म आता है या नहीं आता, लेकिन एक ही ओव्यूलेशन बार बार होती है। पहले एक ही ओव्यूलेशन होने से पहले यहाँ पर एंडोमेट्रियम बनेगा, एक यहाँ, अब स्पर्म अगर आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, होगा ये कि फर्टिलाइजेशन होगी, जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आए तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये शेड होगा। शेड से क्या मुराद है जी, ये उतर जाएगा। तो दो तीन दिन जो है ना वो मेंसेस जारी रहती है, ठीक है। उसको बेसिकली हम कहते हैं मेंसेस, ब्लीडिंग होती है, ब्लड जो है वो निकलता है, ठीक है। कब होगा, जब स्पर्म नहीं, जब स्पर्म होता है तब जो है ना वो मेंसेस नहीं, 28 डेज का जो है ना वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। एनी हाउ दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एक टॉपिक जो है ना वो छोटा सा है, उसमें वो आपने लास्ट में देखना है, ठीक है। मैमल्स हैं वो कुछ मार्सुपियल हैं, कुछ प्लेसेंटल, मूड्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, वो आपने खुद से देखना है, छोटा सा टॉपिक, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।